अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मास्क की रॉकेट द्वारा मंगल ग्रह पर भेजी गई स्पोर्ट्स कार अंतरिक्ष में जाकर रास्ता भटक गई है। मास्क की स्पोर्ट्स कार को प्लान के मुताबिक धरती और मंगल ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाली थी, लेकिन अब वो गलत टर्न लेकर गहरे अंतरिक्ष की तरफ जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को एलन मास्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया था। मास्क ने अपने इस रॉकेट के साथ ही अपनी स्पोर्ट्स कार को भी अंतरिक्ष में भेजा था। लगभग 22 मंजिला ऊंची फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च होने के साथ ही ये पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा हो। रॉकेट लॉन्च होने से पहले एलन मास्क ने बताया था कि उनकी योजना फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए अपने स्पोर्ट्स कार को मंगल ग्रह में प्रवेश कराने का था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सड़कों पर दौड़ने वाली टेस्ला की कार मंगल ग्रह में प्रवेश कर इतिहास रचेगी, लेकिन अब उनकी स्पोर्ट्स कार गहरे अंतरिक्ष में जाती हुई दिख रही है। इस रॉकेट को नासा के लॉन्च पैड से ही लॉन्च किया जाएगा, जहां से चंद्रमा पर जाने वाले स्पेस शटल अपोलो 11 ने टेक ऑफ किया था। एलन मास्क बताते हैं कि आमतौर पर मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रॉकेट में स्टील के ब्लॉक रखे होते हैं, लेकिन अब वे इन सब चीजों से ऊब चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ही कंपनी की बनाई गई कार को भेजने का फैसला लिया। कार का रंग लाल क्यों चुना, इस पर मास्क ने कहा कि चूंकि मंगल ग्रह का रंग लाल है, इसलिए उन्होंने लाल रंग की कार चुनी है। टीम न्यूज़ नाउ।